सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक पैकेट सेवई ली हूँ, तो यहाँ पर मैं गरी का बुरादा ली हूँ, तो ये आधा किलो चीनी तो मैं ली हूँ, तो उसको मैं डिब्बे में नहीं रखती हूँ, हमारे यहाँ पर रखने का जगह नहीं है इसीलिए। तो इतना सामग्री ली हूँ, चला रही हूँ। तो इस तरह चूल्हा जलाना पड़ता है दोस्तों, रोज़ाना यही काम होता हमारा। तो दोस्तों मेरा चूल्हा जल गया, मैं धीमे ही मैं ज़्यादा तेज़ी से चूल्हा नहीं जलाई हूँ, तो इसमें मैं कंडी रख दी हूँ। तो मैं बिना लेप लगाए भगोने रख देती हूँ, भगोने में मैं रिफाइन का तेल डाल देती हूँ, देख लीजिए मैं कलछुल में रखी हूँ। तो मैं इसमें जीरा नहीं डालूँगी दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं में हमारे गांव में सब लोग दीदी, हमारी दीदी जो हमारे घर में ही बनाते, कभी कभी मैं भी आँच पे भूजना है इसको, थोड़ा सा मैं भूज लेती हूँ सेवई को। तो मैं सेवई भूज रही हूँ, देख लीजिए इस तरह है सेवई हमारा। तो मैं अच्छा से इसको, देख लीजिए मेरे भगोना गिर जाता है तो जल रहा, तो मैं लकड़ी के सहायते से कर रही हूँ, कभी कपड़े से करती हूँ, तो मेरा छोटा बाबू खेल कर फेंक देता है, इसलिए यहाँ पर नहीं रख पाती हूँ। मैं सेवई में पानी डाल देती हूँ, सेवई में तो मैं अच्छा से चला देती हूँ करछुल के सहायते से। तो धुआं बहुत गूंज रहा दोस्तों, मेरा आँख दर्द करने लगा, बुरादा वही मैं भगोने में डाल देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों सेवई बनने में। मैं अच्छा से इसको मिला देती हूँ। और चीज़ हमारे पास नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं गरी का बुरादा ही डाली हूँ। आप सबके पास जो भी होगा तो मिला लेना। तो चूल्हा मेरा बुझ जाता है, तो मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट तक पकाऊंगी सेवई को दोस्तों। चूल्हे पे कोई समय नहीं रहता, जल्दी भी बन जाता है, देर भी लगता है। तो जिस तरह चूल्हा लकड़ी मेरा जलेगा उसी तरह बनेगा जल्दी। तो मैं सेवई बना रही हूँ, इस तरह मेरा सेवई बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लकड़ी भी रखी हूँ, तो देख लीजिए इस तरह मेरा घर है, घर का लोकेशन, आसपास का लोकेशन मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर किस तरह मेरा समय इस तरह उबल रहा है। मैं आप सबको करीब से दिखा देती हूँ, यहाँ पर मेरा चूल्हा मैं समय बनाकर रेडी कर ली हूँ, मैं थाली में निकाल कर रख दी हूँ, देख लीजिए बिना दूध का समय किस तरह मेरा बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरह मेरा सेवई बना हुआ है, तो आप सब आके खा लीजिएगा प्लीज़। तो बहुत अच्छा से मैं सेवई बनाई हूँ, तो देख लीजिए कितना महक रहा है, बिना दूध का सेवई मैं बनाई हूँ। तो मेरे पास दूध नहीं था दोस्तों, मैं तो ऐसे ही बना खा लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो देख लीजिए इस तरह बना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।